अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवबंद में आपका खैर मकदम है। आपसे इल्तजा है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर जाके क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली तमाम मेरी वीडियोस आपको आसानी से हासिल हो सकें। शुक्रिया। ऑनलाइन कंप्यूटर सीखने के लिए भी हमसे आप रابطہ कायम कर सकते हैं। हमारा एड्रेस आपके सामने आ रहा है। शॉर्ट टाइम में फुल कोर्स करने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट भी हमसे رابطہ कायम कर सकते हैं। एक बार फिर हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर सेवन में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। तो प्यारे तलबा अजीज, अब तक हमने पैसे की आमद का और रफ्त का जिक्र देखा, यानी कि किस तरह पैसा हासिल करते हैं और किस तरह हम पैसे की अदायगी करते हैं। हमने रिसीव वाउचर और पेमेंट वाउचर को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम माल परचेस करते हैं। पहली बात तो देखिए ये है कि जहन में रखिए कि जो माल उसी को कंपनी मानती है जिसे वो बेच कर मुनाफा कमाती है। तो इस वाउचर में हम उन्हीं माल का जिक्र करेंगे, उसी परचेज़ का जिक्र करेंगे जिसको हम हासिल करके बेचेंगे और बेच कर मुनाफा कमाएंगे। तो ऐसी एंट्री जो परचेज से रिलेटेड हैं उनका ज़िक्र हम इसमें करेंगे। अब हम सबसे पहले आज का सवाल पढ़ लेते हैं कि आज का प्रश्न है, यानी सवाल है कि परचेज किसे कहते हैं और इसका कब इस्तेमाल किया जाता है। जवाब है, इस वाउचर के तहत हम उन एंट्रीज़ का जिक्र करते हैं जिनमें माल ख़रीदने का ज़िक्र होता है, चाहे उधार हो या नकद हो। इस वाउचर के डेबिट साइड में माल की परचेज़ का जिक्र करते हैं और क्रेडिट साइड में कैश का या सेंडरी क्रेडिटर का नाम लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवबंद को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसे शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स हमें देकर हमें अपनी मोहब्बत का एक तोहफा ज़रूर दीजिएगा। हमारी कोशिश उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने की है जो नॉन कॉमर्स पर्सन हैं, जिनको कॉमर्स से वाकफियत नहीं है और वो टैली सीखना चाहते हैं, इसलिए हमने उसी लेवल पर अपने आप को ढालकर इस वीडियो को हमने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो भी आपको कमी महसूस हो रही होंगी उनको आप अपने कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा, जिससे कि हम अपने उन कमियों को ख़त्म करके उन स्टूडेंट्स को का ख्याल रखें कि जिन्हें कुछ भी नहीं आता टैली के नाम पे और अकाउंट के नाम पे और वो टैली सीखने के शौकीन हैं। अगली मुलाकात तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।